नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की कवायद जारी है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत सीमाओं से लगते विभिन्न राज्यों से व शेष भारत से कनेक्टिविटी विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी से बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना पर कार्य जारी है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए अलग से पटरी बिछाई जाएगी। हालांकि इसका फाइनल रूट क्या होगा यह अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल इसके लिए सर्वे कार्य जारी है और अधिक फायदेमंद रूट को लेकर कार्य योजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके मद्देनजर यह भी विचार किया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन के रूट को झारखंड के पारसनाथ से गुजारा जाए। बता दें कि पारसनाथ में विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ देश दुनिया से जैन धर्म के लोग आते हैं। नई बुलेट ट्रेन रूट के लिए पटरी पारसनाथ के आसपास से गुजरेगी। इसे ध्यान में रखकर सर्वे किया जा रहा है। पारसनाथ से बुलेट ट्रेन रूट को कनेक्ट कर रेलवे को काफी पैसेंजर मिल सकते हैं। श्री शिखर जी या पारसनाथ पर्वत या फिर पारसनाथ पहाड़ी नाम से प्रसिद्ध यह स्थान झारखंड के गिरिडीह जिले में है। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थलों में एक श्री सम्वेद शिखर जी के रूप में प्रसिद्ध है। बता दें कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की। यही 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। माना जाता है कि 24 में 20 जैन तीर्थंकरों ने यहां पर मोक्ष प्राप्त किया था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।